हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड यहाँ पे आ चुके हैं और फिर से बहुत ही खास पेपर लेके यहाँ पे आ चुका हूँ आप सभी के। फ्रेंड फ्रेंड इसके अंदर में हम लोग जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यानी जो पेपर में आपके फ्रेंड देखिए एग्जामिनेशन का कुछ क्वेश्चन हैं आप फ्रेंड, और ये बहुत ही खास क्वेश्चन फ्रेंड यहाँ पे एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन क्या हैं और इनके आंसर्स क्या। फ्रेंड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसमें से यकीन मानिएगा कि अगर आप इन क्वेश्चन को लगा के जाते हो एग्ज़ाम में, तो आप अपने कल के पेपर में बहुत फोड़ के आने वालों की। एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस मैंने लाया है और चैप्टर हर चैप्टर से क्वेश्चंस मैंने लाया है इस पेपर के अंदर में। आइए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को, बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब आप सभी कर दीजिए। लगातार आप देख रहे हैं कि हमारी टीम आपके लिए काम कर रही है, लगातार आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, चैप्टर वाइज PYQ करवा रहे हैं, वन शॉट रिविज़न करवा रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं आपके लिए, जैसे आपके मार्क्स बहुत अच्छे एग्जामिनेशन में आ जाएं। और फ्रेंड जैसा आप जानते हैं कि लगातार हम अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नेम है अभी अपडेट, कहाँ पर फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल जिसका नेम है अभी अपडेट फॉर CUET, जिन बच्चों ने इसे ज्वाइन किया होगा उनको तो भैया गजब का बेनिफिट मिल रहा होगा। लगातार हम वहाँ पर इंपॉर्टेंट PDF शेयर कर रहे हैं, वहाँ पे हम सब कुछ आपके लिए करने की तैयारी। फ्रेंड हमने देखा था कि जिस तरीके का हमने आपको तैयारी करवाया था इकोनॉमिक्स में, और जिस तरीके का हमने करवाया था BST में, वो मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जामिनेशन में फ्रेंड आप कर रहे, तो यही कोशिश दोबारा कर रहे हैं आपके लिए यार, कि इस बार भी आपको वो बता दिया जाए एग्जाम में जो सीधे एग्जाम में सीधे आ जाए, जैसे आपको वहाँ पे दिक्कत ना हो। तो माय डियर फ्रेंड ऐसी अगर आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यार, जाकर टेलीग्राम चैनल एक बार जाकर ज्वाइन तो करो, आप जाकर चेकआउट एक बार कर लीजिएगा, वहाँ पर देखिए कितनी खास चीज़ें। आप एक बार जाकर वहाँ पर जाओगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ बहुत नॉलेजफुल चीज़ यहाँ पर भेजी गई हैं, आप जरूर उस चैनल को ज्वाइन कर देंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ टेलीग्राम चैनल जिसका नेम है अभी अपडेट फॉर CUET, जाके ज्वाइन कर लिया। अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है फ्रेंड आपको इस ग्रुप में ज्वाइन होने में, इस टेलीग्राम चैनल को सर्च करने में, तो ऊपर देखिए नंबर भी मैंने दे दिया आप लोग के लिए, कि आपके पढ़ाई में किसी भी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए। आप जाइए व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए कि सर मुझे नहीं मिल पा रहा है, प्लीज़ मुझे लिंक दे दीजिए, या आप मांगे पढ़ाई कर रहे हैं और कोई डाउट आ गया, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप सीधे नंबर दिए सीधे वहाँ पे कॉल कर लीजिए, पूछ लीजिए सर ये सब बताइए कैसे क्या करें, हमारी टीम बैठी है, जैसे आपको हर एक तरीके से हम हेल्प करना चाहते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इतना कुछ हमारी टीम आपके लिए करना चाहती है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उस चीज़ को करें। तो मैं फ्रेंड आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पढ़ाई के लिए कोई भी दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताइएगा, ऊपर नंबर दिया गया। आइए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के डिस्कस करना, इंपॉर्टेंट ये पेपर बहुत ही खास है फ्रेंड, और यकीन मानिए कि ये बहुत खास मैं पेपर आपके सामने लाया हूँ, इसे करके जाना आपके लिए। मैं ये हम ये नहीं कहेंगे फ्रेंड यहाँ पे कि कंपलसरी, ये समझिए कि आपके लिए ये डबल कंपलसरी या नाम का अगर कोई वर्ड हो ना तो वह भी आपके लिए कम पड़ जाएगा इस पेपर को देख के। एक एक क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझना जो मैं बताने जा रहा हूँ, कि या सीधे एग्जाम में आने के चांसेस हैं, या तो कुछ नंबर चेंज करके, कुछ डिजिट चेंज करके, कुछ नाम चेंज करके पूछ देगा, बट क्वेश्चंस यही कुछ इसी तरीके के आपको देखने को मिलेंगे आपके सेट के अंदर में। तो स्टार्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, बेल आइकन प्रेस कर दिया होगा। फिर देखिए ऊपर नंबर फिर दिया गया, अगर आपको CUET की बैच ज्वाइन करना है, फिर आप जानते हैं CUET में स्पेशल बैच चलाया जाता है हमारे द्वारा, लास्ट ईयर हमने बहुत शानदार रिजल्ट दिया था CUET को, इस बार उससे भी बढ़कर देने वाले हैं आप लोग के साथ रिजल्ट। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ नंबर दिया गया, आप इस पर जाके हमसे जरूर एक बार इंक्वायरी कर लीजिएगा। अब आइए स्टार्ट करते हैं बहुत ही खास वीडियो को, उम्मीद करते हैं चैनल को सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा, बेल आइकन आपने प्रेस कर दिया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं, टेलीग्राम चैनल को प्लीज़ जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए मैंने आपका, अब देखिए आप क्वेश्चन पहले से समझ जाओ कि क्वेश्चन की क्वालिटी क्या मैंने लाया है। क्वेश्चन की क्वालिटी देखिए, गेन और लॉस ऑन द रिवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट इन बीच ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर इस शेयर में, बताओ जो आपका प्रॉफिट हो रहा है, जो आपका लॉस हो रहा है, ठीक है, रिवैल्यूएशन के समय, तो हम उससे PSR में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में शेयर करते हैं, करते हैं तो इनके बीच में शेयर करते हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स में, ऑल पार्टनर्स में, न्यू पार्टनर्स में, सैक्रिफाइंग पार्टनर्स में, वेस इन द एडमिशन ऑफ द पार्ट, और जबकि एडमिशन करते हैं, एडमिशन जो हमारा होता है वो किस में शेयर हमारा होता है। सर देखिए बहुत सिंपल बात है क्वेश्चन है सर, देखिए सर क्वेश्चन बहुत सिंपल है बट एक बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, यकीन मानिएगा कि अगर आपको पता इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझे बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में, मुझे मालूम है कि आप यहाँ पर गलत करके आ जाओगे। देखो दो क्वेश्चन के दो पार्ट है यहाँ पे पूछा है, ये अलग पार्ट है और ये अलग पार्ट है एग्जाम में ना। अब देखो एक सेट में इतना पूछ देगा और किसी सेट में इतना पूछ देगा, तो पूरी तरीके से तैयार रहो। जब भी गेन या लॉस की बात करता था तो उसको हम ऑल पार्टनर्स में डिवाइड शेयर करते हैं, और जब ये बोला एडमिशन हो रहा है तो एडमिशन की चीज़ों को हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में शेयर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, बहुत शानदार क्वेश्चन है, मैंने आप लोग लाया हूँ अंत तक करना है, ये क्वेश्चन को करना है, वीडियो को पॉज करके समझना है, नहीं आ रहा तो उन पर नंबर दिया गया मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब सभी स्टूडेंट्स कर देंगे, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल, आपसे पूछा बताओ क्या अमाउंट होगा सेकंड एंड फाइनल कॉल का, वैन अभिजीत लिमिटेड इशू करते हैं इक्विटी शेयर्स
10 पे के हिसाब से प्रीमियम आपको दिया गया तो 40%, ठीक है। पेबल आपका हो रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन 3 है, अलॉटमेंट 5 है, और फर्स्ट वाला आपको 2। एकदम सिंपल क्वेश्चन आपका फ्रेंड पूछा गया है, बट बच्चे यहाँ पे भी गलत करने के चांस है। देखिए क्या कर रहा है, 10 पे दे रहा और 10 पे 40% प्रीमियम कर रहा है। 10 पे का मैं बताओ 40% कितना हो जाएगा सर? 10 पे का 40% हमारा सर हो जाएगा सर 4 रुपये। बहुत अच्छा, तो देखो 10 पे का शेयर था, हाँ सर था, 4 रुपये का उसमें प्रीमियम जोड़ दो, कितना आपका हो गया सर? 14 रुपये हो गया। तो टोटल 14 रुपीज़ होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे मुझे बताओ फिर देखो, एप्लीकेशन कितना है? एप्लीकेशन 3 है, अलॉटमेंट कितना है 5, फर्स्ट और कितना है 2, इन तीनों को जोड़ दो कितना बन रहा है सर? 10 बन रहा है। कितना और चाहिए सर? 4 और चाहिए, तो 4 और चाहिए, तो क्या हो जाएगा आपका? बी वाला क्या हो जाएगा फ्रेंड? आपका बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि फाइनल कॉल पे 4 रुपये बच रहा था, 4 रुपये मेरा चला जाएगा सेकंड फाइनल कॉल पे। अनीस लिमिटेड इशू करते हैं प्रॉस्पेक्टस, इनवाइट करते हैं एप्लीकेशन को 2000 शेयर्स के। एप्लीकेशन रिसीव हो गया 3000 का, चलो 2000 इन्होंने किया बट 3000 लोगों ने रिसीव कर दिया, ठीक है। प्रोराटा अलॉटमेंट करना था 2400 शेयर के, ठीक है। ध्रुव को अलॉट किया गया 40 शेयर्स, बताओ हाउ मैनी शेयर्स ही मस्ट हैव अप्लाइड फॉर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, आप गलत करके आ जाओगे ऐसे क्वेश्चन में, तो ये नहीं करना, गलती ध्यान दीजिए। कितना आपको जाएगा फ्रेंड? देखिए 40 इन्होंने अलॉट किया था, देखिए था क्या, देखिए था ये ना, आपका क्वेश्चन ये कर रहा है कि 2000 शेयर्स कंपनी को लाना था, ठीक है, लाना था, लेकिन कितना उनको रिसीव मिल गया? इनको सर 3000 रिसीव कर लिया उन्होंने, बात समझ रहे हैं सर। और प्रोराटा करना होगा इस चीज़ को लेके, प्रोराटा करेंगे 2400 को लेके प्रोराटा करना होगा, चलिए मैं 2400 को प्रोराटा करना होगा, मैंने मतलब ये हो गया कि 2400 शेयर्स का प्रोराटा करके बांट देंगे 2000 में, और कितने बच रहे हैं शेयर्स? और 600 शेयर्स को क्या कर देंगे हम रिजेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे? रिजेक्ट करके इनको बैंक में पैसा वापस कर देंगे। तो कह रहा है 2400 शेयर्स में से हमें 2000 शेयर्स को वो करना था, हाँ सर। ध्रुव को अगर 40 शेयर्स मिला, ध्रुव को 40 शेयर्स के दिया कंपनी के पास, तो सिर्फ 2000 शेयर्स हैं, तो 2400 तो शेयर्स वो दे सकता नहीं है, तो इसको सिर्फ 40 शेयर्स मिला, तो बताओ कितना शेयर्स पे इसने अलॉटमेंट, कितना शेयर्स के लिए इसने अप्लाई किया होगा? आपको निकालना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड आपका। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड आपका? 48। कितना हो जाएगा? 48। आगे बढ़ते हैं, अगर फ्रेंड दिक्कत आ रहा है तो मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब सभी स्टूडेंट्स कर देंगे, वीडियो शेयर कर दीजिएगा अपने प्लीज़ सभी फ्रेंड्स के बीच में। कहता है ना कि अम्बरीश लिमिटेड ऑफर करते हैं 2 लाख इक्विटी शेयर्स 10 रुपये के हिसाब से, ठीक है। पेबल ईच ऑफ दिस, और ये ईच दिया कि ठीक है सब्सक्राइब, ठीक है, बिल्कुल सी बात है। एप्लीकेशन आपका 3 है, अलॉटमेंट 4 है, और बैलेंस कहता है फर्स्ट कॉल पे इफ़ द शेयर होल्डर होल्डिंग इतना डिफॉल्ट फर्स्ट कॉल, ठीक है। बहुत ही सिंपल फ्रेंड क्वेश्चन आपका, अगर मैं फ्रेंड क्वेश्चन की बात करूँ तो मैंने फ्रेंड क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी है। क्या फ्रेंड? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 585,000 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो पूछ रहा है बताओ क्या करेक्ट सीक्वेंस होगा इस इवेंट का? व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट? प्रॉफिट करना, डिफॉल्ट करना, कॉल पर रिस्यू करना, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल। सिंपल सी बात है, देखो सिंपल बात है, पहले क्या होगा? पहले डिफॉल्ट करोगे आप, ठीक है, फिर उसको चीज़ को प्रॉफिट करोगे, ठीक है, फिर उसको रिस्यू करोगे, ठीक है, और फिर उसको आप अमाउंट को ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल रिजर्व के पास में। 2134 देखो 2134 का है सर, ऑप्शन नंबर सी। तो फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, अरुण एंड विजय जो देखे पार्टनर्स हैं, ठीक है, फॉर्म के अंदर में प्रॉफिट सेयरिंग रेशियो दिया गया था, 5:1 दिया गया था, एक बैलेंस शीट दिया गया, इफ़ द वैल्यू ऑफ मशीनरी रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट इज ओवर वैल्यूड बाई 33/3%, मतलब कितना? मतलब कि 1/3% मतलब कितना होता है? डीआर 1/3 तो होता है, ठीक है ना, इसका मतलब होता है 1/3, याद रखिएगा, एग्जाम में कंफ्यूज मत हो जाइए, इसका मतलब होता है 1/3 ही। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी सोन इन द न्यू बैलेंस, आपसे पूछ रहा, बताओ कितना हम लोग शो करेंगे? तो देखिए मैंने यहाँ पे, देखिए कैसे करेंगे यहाँ पे, देखिए तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे? बहुत ही सिंपल फ्रेंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया। तो इस क्वेश्चन का अगर फ्रेंड मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे, तो आपका ये मशीनरी इतना था, इतना 40,000 आपका ये रेशियो इतना दिया गया था, और 33/3% अगर फ्रेंड यहाँ पे ये बातें कर रहा है, तो फिर यहाँ पे इसका मतलब ये हो जाएगा कि क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं आपसे बात करूँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कितना? 30,000, ठीक है, फिर आपका क्लियर हो गया। यस सर, आगे बढ़ जाए क्या? बिल्कुल सर। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, क्वेश्चन ये कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट्स में से कौन सा सही है जब भी हम सैलरी की बात करते हैं पार्टनर को देने के लिए, एंड द फॉर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की बात करें तो। तो ध्यान दिएगा इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर बना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एट द डेबिट पी एल प्रिपरेशन अकाउंट एंड क्रेडिट बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर दिस में। इज इट क्लियर व्हाट? यस सर। अब आगे देखिए क्या कहता है, जब भी हम लोग रिकंस्टिट्यूशन करते हैं पार्टनरशिप का, तो रिकॉर्डिंग करते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी विल लीड टू, क्या करेगा बताओ? जब भी रिकंस्टिट्यूशन करेंगे पार्टनरशिप फॉर्म का, तो जो रिकॉर्डिंग करते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का, उसको क्या करेंगे सर? उस चीज़ को हम लोग हमेशा
उस चीज़ को से क्या करते हैं, लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर में जाता है, कहाँ जाता है, लॉस हो जाता है एग्जिस्टिंग पार्टनर को, ठीक है ना फ्रेंड। यस बात क्लियर हो गया, यस आगे बढ़ जाएं, बिल्कुल सर आगे देखिए क्वेश्चन के नाइन्थ क्या कह रहा है आपका। नाइन्थ क्वेश्चन में आपको रीड कर लीजिएगा, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ई एफ एन जी पार्टनर सेलिंग प्रॉफिट इतना जितना, ठीक है ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनर सेलिंग एग्रीमेंट जी इज ए गेट अ मैक्सिमम मिनिमम, मिनिमम 80,000 मिलेगा प्रॉफिट एवरी ईयर, ठीक है। एंड द डिफिशेंसी ऑफ दिस अकाउंट इज टू प्रिपरेशन, जो डिफिशेंसी होगा उसको ई वाला जो होगा वो अपना पार्टनर देगा। द प्रॉफिट फॉर ईयर इन डेट 31 मार्च 2021, ये आपको ये दिया गया था, आपको निकालना कि बताओ कितना डिफिशेंसी आपका यहाँ पे फिर यहाँ पे आ रहा है। तो फिर अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो आपका आ जाएगा कितना 2000, कितना आपका आ जाएगा फ्रेंड 2000 आ जाएगा, ये फिर आपका यहाँ पे हो गया। यस आगे बढ़ जाए, बिल्कुल सर। अब देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 10 आपका फिर यहाँ पे ये कर रहा है कि जब भी एडमिशन करते हैं पार्टनरशिप का तो इसमें से कौन सा इन्फॉर्मेशन, व्हाट विल द इफेक्ट, इसका क्या, इस जो नीचे एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए फिर आपके इससे अगर मैं बात करूँ, क्या दिया गया, बैलेंस दिया गया वर्कमैन कंपनसेशन में दिया गया, रिजर्व दिया गया 40,000 का, क्लेम दिया गया वर्कमैन कंपनसेशन। तो देखिए फिर अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूँ, इससे होगा क्या, इससे होगा ये आपका कि तो बताओ फिर कितना पैसा ज़्यादा पड़ रहा है सर, वर्कमैन कंपनसेशन का जो बैलेंस है वो 40,000 है, जबकि जो क्लेम दिखा रहा है, क्लेम जो हमारा सर वो 45,000 है, तो 5,000 रुपये से ज़्यादा आपका हो गया, हाँ से 5,000 रुपीज़ आपका एक्सेस था। तो क्या हो जाएगा, इसको इसको क्या करते हैं फ्रेंड, इसको ध्यान दीजिए, इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग डेबिट कर देते हैं, कहाँ पे इसको डेबिट कर देते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर में। तो 10th क्वेश्चन का राइट आपका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10th। देखिए मैं फ्रेंड इसी मैंने पहले कहा कि एक ही क्वेश्चन बहुत खास है, क्वेश्चन देखिए 11th क्या कहता है कि इन अगर पार्टनरशिप की डिट एब्सेंस है तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ द एडिशनल कैपिटल दिया जाएगा, बिल्कुल से दिया जाएगा। तो बताओ किस रेट पे, किस रेट पे इनको दिया जाता है। अगर मैं देखिए फिर इंटरेस्ट की बात करूँ, इंटरेस्ट क्या, अगर मैं फिर आपसे मैं बात करूँ क्या, अगर आपसे इंटरेस्ट की बात करते हैं, अगर फिर आपसे इंटरेस्ट की बात करें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर फिर आपसे इंटरेस्ट की बात करूँ यहाँ पे एक सेकंड, अगर फिर आपसे इंटरेस्ट की बात करूँ, इंटरेस्ट की अगर मैं आपसे बात करूँ तो इंटरेस्ट होता है क्या ना हमारा, इंटरेस्ट की कहानी ये होती है हमारी कि इंटरेस्ट कैपिटल पर तो कभी कोई रेट होता ही नहीं है। अगर लोन होता तो 6% के हिसाब से होता, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तो कोई रेट हमारा होता ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, नॉट इंटाइटल्ड, ध्यान दीजिए कोई भी आपका इंटाइटल नहीं होगा, एब्सेंस है। तो आगे बढ़ जाएं, यस सर। रिवैल्यूएशन जब भी हम करते हैं एसेट का, रिकंस्टिट्यूशन का समय नेसेसरी है हमारा, बिकॉज द प्रेजेंट वैल्यू मे डिफर फ्रॉम द किससे, तो जो हम लोग रियलाइजेशन करते हैं क्यों करते हैं बताओ, क्यों करते हैं, क्योंकि उसकी उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू हमारी होती है ना वो अलग हो सकती है, इसे किससे अलग हो सकती है सर, ध्यान दीजिएगा। 12th क्वेश्चन अगर फ्रेंड आपसे बात करूँ तो ये आपका मार्केट वैल्यू, किससे फ्रेंड आपका मार्केट वैल्यू से अलग हो सकती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगर फ्रेंड आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो दिया गया था फॉर्म का वो 80,000, ठीक, 8 लाख था, 8 लाख था, ठीक है। एवरेज जो आपका दिया गया है एक्चुअल प्रॉफिट का वो आपका 180,000 है, ठीक है। एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया, 10% दिया गया था। तो बताओ वैल्यू ऑफ गुडविल कितना होगा कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट के मेथड से, अगर मैं फिर आपसे बात करूँ तो कितना हो जाएगा फ्रेंड आपका, वो हो जाएगा 10 लाख, कितना हो जाएगा 10 लाख। सिंपल क्वेश्चन है, कर लीजिएगा, मैं सीधा आपको वहाँ से बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप में से बहुत से बच्चों ने चैप्टर को पहले से पढ़ा होगा तो आप सीधे कर लीजिए। अगर आपने नहीं पढ़ा, दिक्कत आया तो मैंने क्या किया, ऊपर नंबर दिया ही मैंने, मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा बता दूंगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल जाकर जरूर इसका PDF, इसका मैं PDF भेज दूंगा, तो PDF टेलीग्राम चैनल से जरूर उठा लीजिएगा, ठीक है। फिर उसको कर लीजिए, बहुत सारे PDF मैंने शेयर कर दिया यार, 1 चैप्टर वाइज मैंने PYQ भेजा है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो इस साल आपका आने वाला है उसको मैंने भेजा चैप्टर वाइज उठा के, सैम्पल पेपर बहुत कुछ मैंने भेजा जाए, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन में देखिए आपके फिर यहाँ पे 14th कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, इसमें से कौन सा ऐसा सिचुएशन आएगा जब कंपनीज एक्ट जो 2013 आपका अलाउ करता है फॉर इशू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट के लिए, बताओ इसमें कौन सा समय आ जाता है, मैं ध्यान दीजिएगा। तो देखिए जब भी हम कंपनीज एक्ट 2013 की बात करें, जब हम स्वीट इक्विटी शेयर्स को इशू करते हैं ना, तभी ऐसा चीज़ हमें देखने को मिलता है। सेक्शन 52 का जो कंपनीज एक्ट का होता है हमारा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन नॉट बी यूटिलाइज, तो इसको हम लोग बताओ किस लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते, माय डियर फ्रेंड ध्यान दीजिएगा। तो माय डियर इसको ना हम लोग कभी भी कैपिटल लॉस के राइट ऑफ के लिए नहीं कर सकते, कैपिटल लॉस के राइट ऑफ के लिए तो कभी भी नहीं कर सकते, यानी इन तीनों के लिए करते हैं। अगर कल के एग्जाम में क्वेश्चन आपका ये पूछ देगा बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ क्या है, तो ये 3 पॉइंट याद करके जाओ, लिख के आ जाइएगा, ये 3 पॉइंट याद कर जाइएगा, लिख के एग्जाम में आ जाइएगा। बात क्लियर क्या, यस सर। नेट एसेट माइनस कैपिटल रिजर्व बताओ क्या होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर ध्यान दीजिएगा। तो मैं क्वेश्चन 16 की बात करें तो आप इसे क्या क्या कहते हैं, जब भी हम लोग नेट एसेट में से कैपिटल रिजर्व माइनस कर देते हैं तो इसे कहते हैं परचेस कंसीडरेशन, क्या कहते हैं परचेस कंसीडरेशन, ऑप्शन नंबर ए राइट है, ठीक है। अब क्वेश्चन 17 क्या कहता है,
कालकी एंड द कुमार पार्टनर्स है, ठीक है, प्रॉफिट्स इंग्लिश इनका ये दिया गया था 1 अप्रैल 2021 को, एडमिट करते हैं कौस्तुभ को नए पार्टनर के तौर पर, उनका नया ऋषि ये दिखाई देता है। गुडविल जो फॉर्म का वो इतना दिया गया था, कौस्तुभ कुड नॉट ब्रिंग, कौस्तुभ कुछ नहीं ला पाया गुडविल के तौर पर। अमाउंट ऑफ शेयर गुडविल जो क्रेडिट किया जाएगा कालकी एंड कुमार के अकाउंट में, बताओ कितना हो जाएगा, कुमार के अकाउंट में कितना हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैंने इसे सॉल्व कर दिया, फिर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आ जाएगा 45,000 and 15,000। अगर नहीं आ रहा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जैसे मैंने बार बार आप लोगों को इसलिए कर रहा हूँ जैसे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, फिर बता दीजिएगा डी आंसर। क्वेश्चन फ्रेंड देखिए 18 क्या कहता है, क्वेश्चन 18 कहता है कि सर्वेस और आपके श्रीनिधि कहते हैं आपके और श्रीनिवासन जो ये पार्टनर्स है, रेशियो 5:3:2 दिया गया था। अगर श्रीनिधि कहते हैं क्या प्रॉफिट जो आपके एंड में हमारा बन रहा है वो इतना बन रहा है, तो बताओ सर्वेस का सर प्रॉफिट कितना हमारा होगा। तो सर सर्विस की बात करें तो सर्विस का सर 2,50,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2,50,000 हो जाएगा। मैंने कर दिया इस क्वेश्चन को, आप एक बार करके आप भी फ्रेंड एक बार उसको करके आप इसको एक बार चेकआउट कर लीजिए, ठीक है ना, आगे बढ़ जाए। बिल्कुल सर, देखिए फ्रेंड, तो देखिए हम लोग यहाँ पे जितने हमारे MCQ तो हम इसको कवर कर दिए, आप लोग इसको लगा लीजिए अच्छे से, एक एक क्वेश्चन अच्छे से लगा लीजिएगा, कोई अगर दिक्कत तो मुझे बता दीजिएगा। फिर इतना ही रखते हैं इस सीरीज़ को, इतना रखते हैं इस क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर मैं इसका PDF भेज दूँगा, एक वहाँ से ले लीजिएगा। बट माय डियर, आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कोई भी दिक्कत आए तो ऊपर नंबर दिया गया मुझसे जरूर पूछ लीजिए, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब आप सभी कर दीजिएगा, जैसे आप सभी को हर चीज़ मिल पाए। और टेलीग्राम चैनल पर मैं जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं PDF शेयर कर देता हूँ, तो जाकर वहाँ से ले लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।